भाई स्पेशल ऑप इज अ मास्टरपीस। मैं यकीन मानो नीरज पांडे की फिल्मों का मुझे हमेशा से ही इंतजार है। वही इनकी आप वेडनेसडे देख लो, वही इनकी यहाँ पर नाम शबाना देख लो, यहाँ पर हर फिल्म में उन्होंने इतना बारीकी से काम किया है जो कि शायद ही कोई डायरेक्टर यहाँ पर करता हो। क्योंकि भाई इनकी फिल्मों का डायरेक्शन, इनकी फिल्मों का कैमरा वर्क इतना शार्प होता है ना भाई, यकीन मानिए मजा आ जाता है देखने वाले। और भाई जो लोग इस दुनिया के नहीं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्पेशल ऑप का एक पहले भी सीजन आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज आप वो जाकर देखिए, फ्री इसको देखना, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो इसको सीक्वल ही कहलाएगा। तो आइए दोस्तों रिव्यू करते हैं स्पेशल ऑफ 1.5 को। लेकिन अगर दोस्तों मूवी सिनेमा में हाईली इंटरेस्टेड हो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लायक कंटेंट हम हर बार लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस सीरीज की कहानी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपने ट्रेलर में पहले भी देख चुके हैं कि ये जो कहानी है वो हिम्मत सिंह की स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है। अब हिम्मत सिंह कैसे बना, इस चीज को बहुत ही डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस शो को एक एपिसोड पे चालू करोगे और चौथे एपिसोड पे खत्म। कहने का मतलब सिर्फ 4 एपिसोड की कहानी बनाई है सर ने। और यकीन मानिए दोस्तों के मेनन की तारीफ करना अगर मैं अभी चालू करूंगा तो ये वीडियो 10 घंटे बड़ा हो जाएगा और इसके बाद तुम वीडियो देखोगे नहीं लोगे वीडियो भरा है, इसलिए मैं ज्यादा तारीफ नहीं करने वाला। यकीन मानिए के मेनन के सामने जब भी कैमरा आता है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, इतनी नेचुरल एक्टिंग। और यहाँ पर अपने कैरेक्टर में इस तरीके से खो जाते हैं के मेनन सर कि भाई यकीन मानिए मजा आ जाता है देखने वाले को। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम के मेनन से फ्री होते हैं तो आइए आफ्ताब शिवदासनी की बात कर लेते हैं। यकीन मानिए दोस्तों इनका जो कैरेक्टर लिखा गया है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से लिखा गया है। जो कैरेक्टर की स्टोरी में ढलने की बात होती है वो इन्हें बखूबी बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। बाकी दोस्तों ऐश्वर्या सुष्मिता, आदिल खान, विनय पाठक, परमीत सेठी का भी बहुत अच्छा काम है। बात करें दोस्तों अगर VFX की तो भाई VFX में तो कोई भी कमी नहीं है। और दोस्तों अगर बात करें डायरेक्शन की तो भाई नीरज पांडे का डायरेक्शन है यार, कहां से फेल हो सकता है। बाकी दोस्तों इस सीरीज में एक चीज की कमी हर व्यक्ति को खलने वाली है, इसकी लेंथ। भाई इसको थोड़ा और लंबा बनाते ना तो यकीन मानिए ये सीरीज और भी ज्यादा अच्छी लगती। बाकी दोस्तों यहाँ पर थोड़े बहुत ट्विस्ट की और ज्यादा जरूरत थी जो कि स्टोरी को और ज्यादा अच्छा बना सकते थे, जो कि इसकी लेंथ के अंदर ही हम कवर कर सकते हैं। अगर इसकी लेंथ थोड़ी और ज्यादा होती तो यकीन मानिए देखने में मजा आ जाता। अगर दोस्तों कंपेयर करें सीजन 1 और सीजन 2 को तो यहाँ पर थ्रिलर की बहुत ज्यादा कमी है, थोड़ा इसको और इम्प्रूव किया जा सकता था। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों आपको ये सीरीज देखने में तो मजा आ जाने वाला है। एक इसकी लेंथ को एडवांटेज भी कहा जा सकता है, वहीं इसकी लेंथ को डिसएडवांटेज भी कहा जा सकता है। और दोस्तों जब मैं इसका आखिरी एपिसोड देख रहा था तो मुझे वहां पर एक चीज की बहुत ज्यादा कमी लगी कि इसका एंड थोड़ा और अच्छा लिखा जा सकता था, लेकिन अभी जो एंड है वो भी कोई कम नहीं है। वहीं दोस्तों इस सीरीज का एक बहुत ही हाईलाइटेड फैक्टर यह है कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अमेजिंग, भाई बहुत ही गजब साउंड डिजाइन किया गया है इसका। मतलब भाई कहीं भी आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा नहीं लगेगा कि भाई यहाँ पर ये चीज होनी थी, वहाँ पर वो चीज होनी थी, आपको 100% सेटिस्फैक्टरी लगने वाला। बाकी दोस्तों इस रिव्यू के एंड होते होते भी मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, टेरिफिक परफॉर्मेंस ऑफ के मेनन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेकिन दोस्तों अगर आप एक स्पाई वाली फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो भाई आपके लिए तो ये सौगात है। लेकिन दोस्तों अगर आप अनन्या पांडे के फैन हो तो भाई आपके लिए नहीं है, आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर ही देखो। बाकी भाई मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलते हैं पर 5 में से 5 स्टार्स। तो भाई ये सीरीज तो बहुत ही ज्यादा मस्ट वॉच है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखिए। और आपने ऑलरेडी देख ली है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।